सारांश हिंदी क्लासेज। हिंदी व्याकरण के लिए YouTube पर सर्च करें बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आकलन पत्रक नो और देख लो। निम्न वाक्यों में उचित संज्ञा सब छांट करके भेद लिखना है। तो कश्मीर में निशांत बाग है, तो यहाँ कश्मीर निशांत बाग है। निशांत बाग पूरा एक साथ आ जाएगा ये। तो इनको लिखो यहाँ, एक तो कश्मीर लिख दो, एक निशांत बाग। संज्ञा का भेद लिखना है। तो कश्मीर तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक है, और निशांत बाग क्या हो गया, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, संज्ञा हो गया ये। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो एक तो आलस्य है एक शत्रु। तो आलस्य कौन सा है, भाववाचक संज्ञा कौन सा है, और शत्रु क्या है, जातिवाचक है। झुंड में चलना भेड़ों का काम है, तो झुंड क्या है, जातिवाचक है। झुंड क्या है, और इसके हिसाब से समूहवाचक है। भेड़ों का तो भेड़ एक ही हो गया, तो भेड़ क्या है, भेड़ है, जातिवाचक में आती है। ठीक है, हमारे विद्यालय में बहुत हरियाली है, तो विद्यालय, विद्यालय क्या है, जातिवाचक है। और हरियाली क्या है, हाँ दूसरा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए संज्ञा शब्दों से करना है। ये संज्ञा शब्द दे रखे हैं, बचपन है, मिठास, मोर, प्रसिद्ध ऋतु और क्षमाशीलता। तो देखो, शहद की मिठास कम नहीं होती, क्या जाएगा यहाँ, मिठास। और मोरनी की सबसे प्रिय वर्षा होती है, तो मोर, ये मोर आ जाएगा यहाँ। मोर और मोरनी की प्रिय ऋतु, यहाँ ऋतु आ जाएगा। समझ आई बात, बड़ों को शोभा देती है क्षमाशीलता, क्या क्षमाशीलता, क्षमाशीलता क्या होता है, किसी को क्षमा कर देना। प्रेमचंद कहानीकार थे, प्रसिद्ध, और इसने यहाँ भी गड़बड़ करके है, प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध ये विशेषण शब्द है, इसने संज्ञा में डाल दिया। अनेक महान लोगों का बचपन मुश्किलों से भरा रहा, प्रसिद्ध विशेषण है या संज्ञा कौन बताएगा, कैसे पता लगेगा। प्रसिद्ध इमारत, तो इमारत संज्ञा शब्द है। प्रसिद्ध मेला, तो मेला संज्ञा शब्द है, प्रसिद्ध विशेषण बन गया। ठीक है, कोई शब्द विशेषण और संज्ञा का पता लगाना तो क्या करना पड़ता है, आगे प्रश्नार्थ चिन्ह लगा लिया करो। जैसे गर्म और गर्मी शब्द है, इनमें कौन सा संज्ञा है कौन सा विशेषण है, आगे प्रश्नार्थ चिन्ह लगाओ। गर्म और गर्मी, तो गर्म तवा, गर्म रोटी, तो ये गर्म तो क्या विशेषण है। अब आएगा क्या, गर्मी रोटी, गर्मी तवा, नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा संज्ञा इसके आगे, क्योंकि ये खुद संज्ञा बन गई। दिए गए वाक्यों को पढ़ करके संज्ञा शब्दों को सही स्थान पर लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो, मेरे देश का नाम भारत है, तो यहाँ देश आ गया एक, तो ठीक है, और एक भारत आ गया। तो देश कहाँ लिखोगे, जातिवाचक में, और भारत कहाँ लिखोगे, व्यक्तिवाचक में। दिल्ली इसकी राजधानी है, तो दिल्ली आ गया किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में, और राजधानी किस में आएगा, जातिवाचक में। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, तो दिल्ली आ गया, यहीं आ गया व्यक्तिवाचक में। ठीक है, और इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ भी इसमें आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक नाम है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इसे पांडवों ने बसाया था, तो पांडव किस में आ गए, पांडव क्या होते हैं, पांडव जातिवाचक होते हैं, लेकिन यहाँ पांडव विशेष के लिए आ गया, पांच पांडव, तो ये पांडवों को ये व्यक्तिवाचक में ले लेंगे। ठीक है ना, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल है, तो दिल्ली किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में, बता दिया कई बार। स्थल, स्थल क्या आएगा, जातिवाचक में। लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला भी दिल्ली में है, तो ये किस में आएंगे,
ये सारे व्यक्तिवाचक में आएंगे, लाल किला, कुतुब मीनार वगैरह, ठीक है। दिल्ली का जीवन हलचल भरा है। चौथा देखो, दिए गए शब्दांशों से अर्थपूर्ण वाक्य बनाना। आपको बारिश में भीग गया था कल प्रातः मोहन, तो यहाँ क्या करोगे? मोहन कल प्रातः है बारिश में भीग गया था, सही करके लिखना आपको। अब ये नहीं होता है सफल कभी आलसी व्यक्ति, तो आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, क्या लिखोगे? आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।